सोर्स बेस्ट कैसे आप सभी स्वागत है वापस है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो स्टूडेंट जैसा आप सभी जानते हैं कि जो जेईई मेंस एग्जाम इस बार होने वाला है 2021 के लिए, उसके लिए आईआईटी और एनआईटी दोनों के लिए इस बार 75% वाली जो क्राइटेरिया थी वो हटा दी गई है। जी हाँ, तो जो बच्चे ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे थे, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो अब उनको क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर वो लोग एग्जाम देते हैं तो क्या वही मार्क्स ले लिया जाएगा, और अगर वो लोग एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर क्या उनका जो है वो फेल कर दिया जाएगा या फिर एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लस अभी हम हाल ही में जल्दी हम लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, फेब में फर्स्ट जेईई मेन का स्लॉट होने वाला है, तो उस एग्जाम को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हम लोग का क्या माइंड सेट रहना चाहिए, तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट जैसा आप सभी को पता है, ऐसा पहले भी हुआ था 2020 के टाइम में कि पहले आईआईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा के दी गई थी, फिर एनआईटी के लिए, तो अभी भी वैसा ही हुआ है। पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो लाइव आए, उन्होंने आईआईटी का बात कहा, और उसके बाद कुछ दिन पहले हम लोग को ये ट्वीट मिला जिससे हमको ये पता चला कि एनआईटी के लिए भी 75% वाली जो क्राइटेरिया है वो हटा दी गई है, तो अब जरूरत नहीं है 75% का। तो यहाँ पे सवाल आता है कि भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम दे या नहीं दे। तो स्टूडेंट देखिए, आप चाहे तो दे भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हैं तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 12th वाला मार्क्स ही कैरी फॉरवर्ड हो तो आपका वही वाला मार्क्स लिया जाएगा। ये नहीं कि आपने अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया तो यही मार्क्स आपको देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना 12th वाला मार्क्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो 12th में मार्क्स आपने गेन किया है वो फिक्स है, वो एक रिकॉर्ड होके एकदम सबमिट हो चुका है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। तो आप चाहते हैं अगर एग्जाम देने के बाद भी वो मार्क्स अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट का मार्क्स फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं अब तो हट गया 75%, तो अब जरूरत क्या है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का, तो आप चाहे तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना आपके 12th के रिजल्ट पे इफेक्ट होगा, ना आपके काउंसलिंग के वक्त दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत किसी तरह का कॉलेज में आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरने के बाद भी चाह रहे एग्जाम नहीं दे तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, इसका कोई भी रिकॉर्ड ऑफिशियल नहीं रखा जाता है, रिकॉर्ड आपके 12th का जो मार्क्स आपने गेन किया उसका रखा जाता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं, इससे आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट खैर, ये तो हो गए इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने और नहीं देने के बाद, लेकिन ये क्राइटेरिया अभी सिर्फ जेईई मेंस यानी आईआईटी और एनआईटी के लिए हटा। अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज चुनते हैं जैसे बिट्स, तो उन लोग की अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो फिर आपको शायद इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़े, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे प्रायोरिटी आपको देनी है कॉलेज की। तो ये तो हो गई एक बात। फिर स्टूडेंट अगर हम लोग दूसरी बात करें, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट मंथ में फेब में जेईई मेंस का फर्स्ट स्लॉट होने वाला है, फर्स्ट एग्जाम हम लोग का होने वाला है, और अभी हार्डली हम लोग के पास 20 से 25 दिन बचे हैं प्रिपरेशन के। तो ऐसे में अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, काफी सारी चीजें एट अ सर्टेन हम लोग के साथ हो गई। क्या क्या हो गया, पहले तो भैया आईआईटी के लिए हटाया था 75% वाला क्राइटेरिया, एनआईटी के लिए नहीं हटाया, तो आधे बच्चे तो कंफ्यूजन में रह गए उस वक्त, जिसके कारण प्रिपरेशन में डिस्टर्बेंस आया। उसके बाद सिलेबस रिडक्शन को लेकर डिस्टर्बेंस आया बीच में कि भैया सिलेबस रिड्यूस कर दिया, पहले इस तरीका से पढ़ रहे थे और अब फिर सडनली फिर पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया था कि पहले हम लोग ये करेंगे फिर उसमें चेंज आ जाएगा, तो इस सब के कारण क्या हुआ, हम लोग का रूटीन डिस्टर्ब हो गया काफी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपका पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन इन सब के कारण अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपना फोकस लूज कर देते हैं, फोकस लूज करने से क्या होता है कि जो चीज हम लोग 1 घंटा में कवर अप कर सकते हैं वो कवर अप करने में हम लोग को 3 घंटा लग जाते हैं। अब ऐसा हो रहा है, हम लोग के माइंड को ये पता है कि हम ये आसान सी चीज है लेकिन इसमें हम लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं तो उस वक्त दिमाग कहीं और जा रहा है, ये हो रहा है, तो इन सब के कारण ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अब फेब में एग्जाम होने वाला, एग्जाम पास आ गया, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार मेरी तो प्रिपरेशन नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि ये एक फर्स्ट स्लॉट है जेईई मेंस का, आपको 4 बार मौके मिलेंगे, तो सबसे पहली बात घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहला स्लॉट है, आपको एकदम फ्रेश माइंड से देना है,
पहले जो आप कर रहे थे, जो आपने गलतियां पहले की, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट था। और अगर आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहोगे तो वो आपके प्रेजेंट को भी हिट करेगा। तो इट्स बेटर आपसे जो भी हुआ, आपने प्रिपरेशन नहीं किया, कम पढ़ा, नहीं हो पाया, जो भी था उसे वहीं छोड़िए और एक प्रेजेंट डे को आज ही एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। अपनी रूटीन ठीक से बनाइए, क्योंकि अब हर कुछ क्लियर हो चुका है, एग्जाम को लेके हो या सिलेबस को लेके हो, हर कुछ क्लियर है। तो एक अभी ही रूटीन बनाइए। मे बी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% नहीं दे पाए, लेकिन आप 80% 75% दे सकते हैं और बाकी का आप कवर अप कर सकते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। लेकिन अगर आप अभी से ही उम्मीद छोड़ देंगे तो आपका ये 75 भी आगे वाले में एड ऑन हो जाएगा, तो आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि जो भी था उसे छोड़ के और अभी से एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश रूटीन और एक फ्रेश माइंड सेट के साथ शुरू कर दे। तो बस स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कंफ्यूजन है या आपको आपके प्रिपरेशन में लेके कोई भी तरह का दिक्कत आ रहा है, नोट्स वगैरह कुछ भी को लेके, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है कॉलेज को लेके, काउंसलिंग को लेके, इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेके, तो उसे मुझसे पूछिए। आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं वहां पे। तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और बस जम के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।